हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉलेज। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का प्री सीजन के बारे में और उसके साथ साथ एफसी गोवा और एटीके का जर्सी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एफसी गोवा के बारे में। तो एफसी गोवा ने 23 सितंबर को लॉन्च किया आईएसएल सीजन 6 के लिए अपना न्यू जर्सी, जहां मौजूद थे विराट कोहली, मोर्तादा फॉल, मंदर राव देसाई, ब्रैंडन फर्नांडेज और एडू बेडिया जैसे खिलाड़ी, जिसमें ब्रैंडन फर्नांडेज नंबर 10, मंदर राव देसाई 71, मोर्तादा फॉल नंबर 5 और एडू बेडिया का जर्सी नंबर है 13। तो दोस्तों, ये तो था एफसी गोवा का जर्सी के बारे में कुछ अपडेट। और अब चलते हैं एटीके के तरफ। तो एटीके का यंग स्टार विंगर कोमोल थटाल को मिला नंबर 7 का जर्सी और उसके साथ साथ प्रीतम कोटल का जर्सी नंबर है 20। तो दोस्तों, ये तो था न्यू जर्सी के बारे में कुछ अपडेट। और अब थोड़ा बातचीत कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का प्री सीजन मैचेस के बारे में। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपना दूसरा प्री सीजन मैच खेला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ही एक रिजर्व टीम के खिलाफ, जिसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का कैप्टन था जोसे लेडू और उसके साथ साथ प्लेइंग 11 में शामिल था मिलन सिंह, मिसलब कॉमर्स की रिडीम लैंग और मार्टिन सबिस जैसे खिलाड़ी। और अगर रिजल्ट की बात की जाए तो इस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी 2-0 से जीत हासिल किया है, जिसमें काई हेडिंग्स ने एक गोल और मार्टिन सबिस गार्सिया ने एक गोल किया है। और दोस्तों, अगर बात की जाए मार्टिन साबिस के बारे में, तो ये फिलहाल कमाल का फॉर्म में चल रहा है और पिछले प्री सीजन मैचेस में भी इन्होंने 2 गोल किया था। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपना दूसरे प्री सीजन मैचेस में 2-0 से जीत हासिल किया, जिसमें रिडीम लैंग, काई हेडिंग्स, मार्टिन साबिस और जोसे लेडू ने काफी अच्छा इम्प्रेसिव खेल दिखाया है। तो दोस्तों, बस यही था न्यू जर्सी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का प्री सीजन के बारे में कुछ अपडेट। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जरूर बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप मिस ना करें।